नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 अपने अंतिम चरण में है। आईपीएल 2021 का आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। दूसरा क्वालिफायर में केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने भिड़ेंगी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के बीच बेहद ही अहम, क्योंकि हारने वाली टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी, वहीं जीतने वाली टीम 15 अक्टूबर को फाइनल में सीएसके से टकराएगी। क्योंकि सीएसके की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग पहले से ही फाइनल में पहुंच चुकी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सोमवार खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में केकेआर ने आरसीबी को 4 विकेट से हराने के बाद दूसरे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाई। आरसीबी ने 7 विकेट पर 138 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में कोलकाता ने 2 गेंद बाकी रहते 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना करके जीत दर्ज की। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले क्वालिफायर में दिल्ली को सीएसके ने मात दी, लेकिन उसके बाद एक मौका अभी और भी है। ऋषभ पंत की अगुवाई में दिल्ली शानदार प्रदर्शन कर रही है। अंक तालिका में 20 अंक लेकर दिल्ली कैपिटल्स आज फिर से केकेआर के साथ भिड़ेगी। केकेआर के सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वेंकटेश अय्यर से दिल्ली को बड़ा खतरा है। अय्यर के आईपीएल 2021 के चरण में अगर बात करें तो केकेआर के लिए ओपनिंग का जिम्मा संभाला है और उन्होंने हर मैच में टीम को बेहतर शुरुआत दी है। वहीं गेंदबाजी में अगर बात करें तो टीम को जरूरत पड़ने पर विकेट भी चटकाए हैं। वेंकटेश अय्यर पर होगी आज सबकी नजरें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत भी आईपीएल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरे चरण में अच्छी बल्लेबाजी की है। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। पहले प्लेऑफ में भी पंत का बल्ला चला था। ऋषभ पंत से टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं। पंत ने आईपीएल में बड़ी पारियां खेली हैं, ऐसे में सबकी निगाहें आज ऋषभ पंत पर भी टिकी रहेंगी। हेड टू हेड की बात करें तो केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हेड टू हेड की बात करें तो आईपीएल में दोनों टीमें 28 बार मैच खेल चुकी हैं। केकेआर ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबले में जीत हासिल हुई है। इन दोनों टीमों में इस आईपीएल में अब तक का दबदबा बनाए रखा है और ऐसे में यह मैच बेहद रोमांचकारी होने की संभावना है। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में हुए कुल 28 मैचों में केकेआर 15 बार जीती है, इसलिए संभावना जो है केकेआर की आज जीतने की है। लेकिन फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, क्योंकि दिल्ली भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। दोस्तों, आइए बात करते हैं संभावित प्लेइंग 11 टीम की। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आज ऋषभ पंत, पृथ्वी शाह, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, रिपल पटेल, मार्स स्टोनिस, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, आवेश खान, एनरिक नाटजी, इतने खिलाड़ी होने वाले हैं। जबकि केकेआर की बात करें तो केकेआर की तरफ से यॉन मॉर्गन कप्तान, शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, साकिब अल हसन, वरुण चक्रवर्ती, लाकी फॉर्गसन, सुनील नारायण और प्रसिद्ध कृष्णा हैं। जबकि मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों सुनील नारायण की, तो सुनील नारायण काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मैच को कौन अपने हाथ ले जाएगा और सीएसके के साथ फाइनल में कौन टीम भिड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, जैसे ही क्रिकेट समाप्त होगा हमारा हाईलाइट आप लोगों के साथ में आएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्री में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे मैच की जानकारियां और अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगले मैच में, माफ़ कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से इसी मैच में हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।